Are you ready? Last layers of sunblock लगा रहे हैं ये लोग. दिले अच्छा रहा सफर, पता भी नहीं चला तीन दिन तीन रात हमने यहाँ कैंपिंग की है. दिल बेकरार होंगे जाए जब यहाँ से कुछ दे न पाते दो गस कब हम कत पूरा तेरा विदार होंगे जाए जब यहाँ से. Yeah. Soup's ready? Okay, thank you. Technical होता है थोड़ा endurance भी करवाते हैं. Yeah, endurance. तो ये क्या है? आर्मी में करते हैं ताकना. किसने बनाया है? जाफर अली जबरदस्त. जबरदस्त. जाफर तो best cook है. Best in the world. But anyone want mushy rice? मारा का पेट खराब है तो उसको सिर्फ चावल मिलना है. तैमूर का पेट ठीक है तो उसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं. हरी हरी ये आपके लिए. वाह तैमूर ये बात बनी ना कि मैं और मो कल का क्या प्लान है? कल इंशाल्लाह हम सवेरे निकलेंगे यहाँ से. हाँ कोशिश करेंगे जरा जल्दी पहुँचे. अगर जल्दी पहुँचा तो कपलू में लंच करेंगे, वरना फिर खुशे में लंच करके सीधे कर दो इंशाल्लाह. कल चार पाँच बजे तक इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कर दो पहुँचने. कल सुबह किस टाइम निकलेंगे? कल 7 o'clock. अच्छा जी 6:30 ब्रेकफास्ट. और रात कहाँ ठहरेंगे? रात कर दो गेस्ट हाउस में, लग्जरी में. हाँ ठीक है. रोल्स रॉयस में लेके जाएंगे. Really? Like I'm all for legging it. Like if you tell me I'll wake up at 5, I'll go. I need a hot shower. I had a hot shower. Full आधी बाल्टी इसने मुझे गर्म पानी लिया था उसको टॉप मैंने किया था. Full hot बाल्टी. I took a cold shower for the experience. I was just like I'm literally afraid of cold showers. Like, so I just like tried to breathe in there and then like it worked out. तो आज की हाइक कैसी लगी फ्रेजर? Best. ग्लेशियर में. Bestest. आसिफ. अच्छा लगा. तुम पहली दफा गए हो? मैं पहली दफा. पहली दफा इतना बड़ा ग्लेशियर. Really? छोटे मोटे तो देखा है शेर में. हाँ मैं तो सेंट तो जाते रहते हैं. हाँ जी मैं भी पहली रफ़ा इस ग्लेशियर पे तो मैं भी पहली. अच्छा और ये ग्लेशियर इस किस्म के तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं. बड़े बड़े ग्लेशियर पे जाते हैं ना ग्लेशियर. इसके ऊपर से तो मैं कई दफ़ा घुसा हूँ लेकिन वहीं पे जो सामने है मैं पहले. राफर ये क्या है? ये गैस कहाँ से आया? पिज्जा अवन है यहाँ पे? हाँ नहीं तो ये ऐसे जबरदस्त पिज्जा बगैर पिज्जा अवन के कैसे बना है?
आपने ये तो इटालियन है बिल्कुल, आपने काट के भेज रहा था कि हमारे सामने आपको नहीं करना पड़े। नहीं कल आपने बोला काट के दो तो पास मैंने पहले ही काट दिया। तो इधर पिज्जा अवन रखा हुआ है आपने? ये लेकर आए सर, अवन यहाँ पे हम बनाया है। हाँ। इसका हीट आते है एक जगह से। हाँ। मगर इसके थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा लग गया था, टेमिंग की वजह वो खराब हो गया। तो ये जबरदस्त चीज है यहाँ के लिए। अभी हम कुछ चिकन कढ़ाई जब तक खा रहे हैं, फिर पिज्जा उसके लिए होगा। व्यवसाय में बुर्गी वैली में जहाँ पे भालू बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने मेन रोड से ऑफ रोडिंग करके काफ़ी आगे जाके दरिया के किनारे हमने कैंप किया था। दिन को हमने काफ़ी फिशिंग की थी, मछली बनाए थे हमने, सर भी खाया था मछली का सर भी खाया था। तो फिर रात को हमने भालू की बातें करते हुए हम सो गए। मेस टेंट में मैं था, जाफर था और मेरा एक दोस्त था, और बाकी दो तीन खाली टेंट हमने लगाया था। सेकंड टेंट में माहिरा सो रही थी। तो मिड नाइट को मुझे थोड़ी सी सरसराहट महसूस हुई, मुझे शक हुआ भालू आया। तो उसके बाद फिर कोई खुरचने की आवाज़ आई, मुझे डर लगा। उसके बाद हमारा जो टेंट का जो पोल है उस पर कोई चीज़ टकरा है, मैंने कहा ये तो भालू है। फिर मैं जूते पहन ले, सब सो रहे, फिर मैंने टॉर्च निकाला, निकाल के जिप खोल के यूं देखता गया, तो वो पत्थर के पीछे से दो तेज आंखें मेरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे। तो अच्छी तरह लाइट लगा के देखा तो एक वुल्फ नहीं फॉक्स, एक फॉक्स। तो वो मछली के टुकड़े थे वहाँ पे, मछली के टुकड़ों को खाने के लिए वो फॉक्स उधर आ गए। भालू नहीं था। इतने में वो मेरा दोस्त जागे, वो आ गए, जाफर आ गया, इनको भी शक हुआ था लेकिन डर के मारे जगा नहीं था, मैंने हिम्मत करके जगा। हैं जाफर ये सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डर के मारे कैसे सो रहे थे? उधर भालू भी तो देखा था, भालू का के बाल। दरअसल मैंने ये हिश पर मैं एक बार देखा था सर, उसके बाद नहीं देखा, उसकी फूट प्रिंट देखा, वो और कोई निशानी देखा और भालू नहीं। अच्छा ये लोग सब साथ सो रहे थे? हम पहले वाला हमने देखा था ब्यंधा में 1967 में। अच्छा अभी नहीं, मैं अकेले सो रही थी, इन्होंने दो एक्स्ट्रा टेंट लगाए थे फोटोग्राफी के लिए, वो तो ये लोग एक साथ थे, मुझे इतना डर लगा। इन्होंने कहा, मैंने कहा भालू तो नहीं आया, फिर आ भी सकता हूँ आया था। एक आदमी गन लेके शिकार के लिए चला गया, तो उसी वैली में शिकार के लिए गया जहाँ पे भालू होता है। काफी आगे तक चला गया तो इतने में बर्फ ज्यादा तेज हो गई, देखा तो एक गार सा उसको नजर आया, उसके अंदर चला गया। तो आगे तक काफी अंधेरा था गार, तो वहां आराम कर रहे थे, इतने में वो सो गया, नींद आ गई उसको, गर्म था वहां पे। तो थोड़ी देर बाद देखा तो अवलांच आके उसका गार का दरवाजा बंद हो गया। देखा तो गार का दरवाजा बंद है, अब तो उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो यूं हाथ से टटोलते टटोलते अंदर तक किया तो उसको कोई नरम सा गर्म सा चीज नजर आया। तो उसने यूं आगे पीछे किया तो दो भालू वहां पे हाइबरनेट होके सो रहे थे। अब तो वो वहां फंस गए, वहां से वो तो बेहोश पड़ा हुआ है भालू, वो बाहर निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आया उसको, क्योंकि वो तो बिल्कुल अंधेरा हो गया अवलांच की वजह से। तो उसने क्या किया, उसके पास चाकू था, चाकू से उसने एक भालू को बिल्कुल उसका चमड़ा उतार दिया, उतार के उसका गोश्त खाने लगा, उसको मार दिया था भालू को। भालू तो खैर वो हाइबरनेट हुआ था वहां पे, वो बेहोशी की हालत में थे। तो उसने उस भालू का गोश्त खाने लगा, भालू का गोश्त खाया, भालू का जो चमड़ा है उसको उतार के उसने ओढ़ के रखा गर्म करने के लिए, और गोश्त खाता रहा
एक महीना गुजरने के बाद फिर स्प्रिंग आ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पिघल के कार का दरवाजा खुलने लगा। इतने में वो दूसरा भालू वो जाग गए, तो वो उसने वो भालू का वो पहना हुआ था, उसने सोचा वो दूसरा भालू सो रहा है, तो उसने उसको जगाने की कोशिश की, तो वो तो चुपचाप उसमें सो रहा है। मतलब उसने सोचा, भालू के साथी ने सोचा उसका अपना साथी भालू है, लेकिन उसमें तो अंदर बंदा छुपा हुआ है, तो वो तो डर गया। अब उसको वो जाग गए, तो वो चुपचाप सोता रहा, उसने उस भालू ने उसको जगाने की कोशिश की, नहीं जगा, तो वो आहिस्ता जाके अपने हाथों से गार का दरवाज़ा खोल के उस तरफ घास खाने चले गए। तो फिर उसने वहाँ से जो भालू का जो उसने चमड़ा ओढ़ा हुआ था वो खोल के उस सुराख से बाहर निकला, बाहर निकल के हुशे गाँव आ गए। वो तो काफ़ी अरसा गुजर गया था, सब हैरान हो गए, ये तो मरा था इतने अरसा पहले, ये जिंदा होके वापस आ गया। तो इसने कहानी सुनाई, भाई मेरे साथ ये वाकया हो गया, तो ये एक सही वाकया है यहाँ का। हम पहुंच के यहाँ तीन दिन हो गया, तीन दिन के बाद हमारा कैंप क्लोज हो के हम वापस जा रहे, मूव कर रहे हुशे की तरफ। हुशे में हम कुछ चाय पानी पी के हम निकल जाएंगे इस कार्डो। आज रात हम इंशाल्लाह रेस्ट करेगा, कल हम दोसाई के लिए निकल जाएगा। दोसाई हमारा नाइट नहीं होगा, एक दिन का ट्रिप होगा, वहाँ हम ट्रैकिंग करके जस्ट लंच करा के वापस आके हमने कर्दो में रेस्ट करेगी। इसके बाद हमारा मेहमान शिकर के लिए निकल जाएगा, हम गाँव आएगा जी। इसके बारे में ज़रा बताएं, ये जो साइचो कैंप साइट है इसकी। ये साइचो नेम साचो है, साचो का मतलब एक दरख्त की जो इसकी जड़, इसकी वो छिलके, इसकी वो चाय बनाते हैं, तो इसका नाम है साचाओ है, तो इसका नाम शार्ट पे अभी साइचो इसका नाम पे आया है। बहुत अच्छा प्लेस है। राइट साइड पे गया तो सरख शवेली पहुंच जाता है, लेफ्ट पे गया तो ये गंडोरोला और इसका दलचा फाख इस्पान, यहाँ पे कैन स्टेशन से आ जाते हैं। तैमूर, रेडी टू गो बैक? Not at all. It's so nice. Don't feel like anything. Plus dreading the 6-hour walk. Are you ready? As ready as I can be. Yeah. Feeling better? Well rested. Feeling better. Good. Stomach still out, but let's see. We'll take it easy. Yeah. Not feeling feverish though. Good. या तो जी, मेरे तो तबीयत ऐसी आउट हो गई थी कि मैं आई वॉज आउट ऑफ कमीशन ऑल ऑफ येस्टरडे। ये लोग गए थे हाइक पे गोंडोगोरोला वैली, आई मिस्ड इट, आई जस्ट स्लेप्ट ऑल डे। तो पेट ख़राब हो जाए तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, अब बस हिम्मत करके हमें निकलना है। जो पोर्टर्स को 1.5 घंटा लगता है, हमें लगेगा पता नहीं 6 घंटे। तो ये लोग रेडी हैं, लास्ट लेयर्स ऑफ सन ब्लॉक लगा रहे हैं ये लोग। स्पेशल हैंड क्रीम है, नॉर्वेजियन फार्मूला,
ये यहाँ के पहाड़ों के ड्राई हवा ड्राई मौसम के लिए खास लेकर आए थे. सुपर कंसंट्रेटेड. तो मुझे भी लगाओ इसके. And I brought sunblock for babies because cute. Babies are awesome, and if it can protect their skin, it can protect mine. Now your silhouette. Wait, so let me come here. The one I have is this one. Acha, should I rally the troops? Rally them. Can you tag this first? Oh, me? Hold on. Yes. Norwegian formula and cream. Ultra concentrated. It's close up. Focus nahi karta hai. Focus is at like a foot away. More and more putting on sun creams. Think baby, that's the way to go. Is it my Helaoni is recording? How will I use it in the edit? Okay, give me your bag. Oh, you did? Khilata hai camera on it. You've given up on your other shoes? Yeah. Are you leaving them here? No. Taking them. आपको कितना टाइम लगेगा वापस पहुंचने में? इंशाल्लाह 2 घंटा या 1.5 घंटा. तो हमें कितना लगेगा? 4 4 तक जाएंगे शायद. स्पीड चले तो कम. ठीक है. आते वक्त हम रनिंग करें तो 2 तिले. जी शुक्रिया. मैं ये उठा चेंज करूं एक्सचेंज चेंज कर लें. इसका कितना किलो होगा? लो जी, इनकी स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि देव लेफ्ट मी बिहाइंड ऑलरेडी. हाँ निकल लो. क्या पता हम 1 घंटे में पहुंच जाए. देखते हैं. टाइम नोट करें. इस वक्त टाइम है 8:30 हो रहा है. तो 8:30 12 तक पहुंच सकते हैं. 12 के बीच में पहुंचना है. हाँ चलो भाई. कैसा रहा सफर? बड़ा अच्छा रहा सफर. पता भी नहीं चला 3 दिन 3 रात हमने यहाँ कैंपिंग की है. और बड़ा अच्छा रहा. कल तो बड़ा अच्छा रहा, ग्लेशियर्स देखे. तो आज हम जा रहे हैं वापस. तो 3-4 घंटे में घुसे वहाँ, टी ब्रेक होगा, फिर हम स्कर्दू के लिए निकलेंगे. तो ये बड़ा अच्छा ट्रिप रहा हमारा. वो देखें वो आ गए. इनका शॉट मैं बनाती हूँ. तो कोई 150 kg उठाया हुआ है. 25 यार, 150 kg उठाया हुआ है. आपको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? 2 घंटा तक लगेगा. अच्छा, और हमें कितना लगेगा? हम शहरी लोगों को 3 लगेगा. चलो ठीक है. और इनके साथ एक सेल्फी ले लें. फोन है आपके पास?
इनके साथ एक सेल्फी लेते हैं। आप आए हैं साथ में, आपके क्या करता हूँ इसके साथ। हाँ अब लें, अब लें। आप मेरी तस्वीर ले लें, ये फोटो के साथ आखिरी पिक होगी ना। ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बोझ उठाऊँ 25 केजी का, चेक करते हैं ना। वो नहीं रुकता ना। आपने एक पानी की बोतल रखी है।
कौन आ रहा है? मेहदी आ रहे हैं, वो पीछे पीछे। हेलो, हाँ तो वो हमें वहाँ जाना है, वहाँ वहाँ जो स्नो कैप पीक नज़र आ रहे हैं ना, वो आगे मशरूम की तरफ जाना है, हमने वहाँ से लेफ्ट जाना है, वो हुशे वैली आएगी। ये आपने खाली बोतल क्यों पकड़ी हुई है? क्योंकि रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है वॉशरूम के लिए, तो जल्दी से जाएंगे दरिया पर पानी निकाल के लाएंगे। अभी हम सब लोगों से आगे हैं, सबसे आगे है ना, हमें आगे ही होना चाहिए। आगे आगे चले ना, हाँ। फिर बाकी लोगों में पीछे छोड़ देगा, हाँ। क्योंकि रनिंग और ये ट्रैकिंग में जो जल्दी जल्दी जाता है ना, वो हमेशा पीछे रह जाता है, क्योंकि उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है ना पहले। जो ये कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी वन द रेस। एग्जैक्टली, hike. We've just left the Siacho campsite, walking along the river. It's hilly, rocky, sandy, it's up and down, very interesting trail, surrounded by trees, juniper trees. The smell is amazing. Without them, Konamali wouldn't have been possible. What a lovely adventure. बहुत शुक्रिया जी, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इन्जॉय किया। बस सिर्फ इस बात का थोड़ा सा मुझे अफसोस है कि आप पूरा ट्रिप हमारा नहीं कर सके, आपकी ज़रा तबीयत ख़राब थी। आज बेहतर तो है, आज बेहतर है, शुक्र है। तो बस अभी हमारी वापसी है, तो इंशाल्लाह कुछ घंटों में हम हुशे पहुँच जाएंगे। धूप यहाँ पे बड़ी तेज होती है, धूप तेज है। आप पूछे क्यों मत है, कुछ यमो भी होते कुछ दू वहाँ वहाँ। गर्मी लगेगी थोड़ी देर, उधर से फिर साया है, साये में फिर ठंड लगेगी। जी जी, साये के बाद फिर। So, we're all set. Let's go. Did you stop after?
Feather stop. ये ब्रिज सही था? सही छो है ये ब्रिज आराम से क्रॉस कर लिया ये आराम से खुला जंपे भी मार सकते हो अब तुम वापस जाओगे वापस जा रहा हूँ यहाँ से समझ के लाया था थैंक यू अच्छा ठीक है नबी गा रहे क्यों जरी जरी नबी हाँ तुम जरे दो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होंगे दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो जाएंगे जब यहाँ से करारी होंगे जाए जब यहाँ से कुछ भी न पाते दो गज का भंग का टुकड़ा जाए जब
जी ये कौन सी चाय है? तुम्बुरुक, तुम्बुरुक थाइम टी, देवसाई में भी उगती है। जी जी हमें इधर से मिल गई, इसको यहाँ रखने आ गए। Shed a few layers. जिस पॉकेट में मैंने फोन रखा था वो तो गई। सन ग्लासेस उतार रही हूँ, मुझे जब सनी नहीं होता और मैं सन ग्लासेस लगाई होती हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे आप लोग तो फैशनेबली ऊपर टिका लेते हैं, जी जी हम लोग जिनकी आंखें खराब हैं उन्हें ये करना होता है। जैसे हाँ स्टिक got everything, maybe I should hold my phone. भाई हमें बड़ी चीजें करनी है। Okay, let's go जी। जी अभी संपा ड्रिंक हम बनाते हैं आपके लिए,
ये संपा एनर्जी ड्रिंक है जी, नभी छुट तो नहीं ना। बस वो फिर डिसॉल्व नहीं होता। एक काफी है। हाँ ये काफी, इतना डाल देना। हाँ ये चंपा और ये गुड़ है, थोड़ा सा इतना काफी है। बहुत ज्यादा है, आधा शुगर से ये अच्छा होगा। हाँ ठीक है, पानी डाल दें इसमें, थोड़ा सा डाल दें बस। हाँ अभी पूरा डाल दें पानी, थोड़ा सा और डाल दें बस। इसको सत्तू भी कहते हैं जी, तो ये एनर्जी के लिए। दिस इज मच बेटर बिकॉज मुझसे खाली पानी नहीं पिया जा रहा, अजीब सा टेस्ट उसका आ रहा है इसके साथ। इट्स वेरी नाइस, रिफ्रेशिंग। आप डू यू वांट अ टेस्ट? आई हैव ट्राइड इट। आई फील बेटर। जी मेरा जो ये जो एनर्जी ड्रिंक है इसमें सत्तू जिसे बार्ले पाउडर कहते हैं वो और पिसा हुआ गुड़, ये मैं हमेशा अपने बैग में साथ रखता हूँ। जब भी मैं लंबे ट्रैकिंग पे जाता हूँ तो ये हमेशा साथ होंगे। ये तो खैर आज इस दफ़ा तो हमने छोटा सा ट्रैक किया, बड़े लंबे ट्रैक जब हम करते हैं 20-22 दिनों का तो वो ज़्यादा मकदार में हम लेके जाते हैं, और रास्ते में जहाँ कोई पानी मिला वहाँ से पानी लिया ग्लेशियर का, उसमें 2 चम्मच सत्तू 2 चम्मच गुड़ का डाला, उसको घूल के पिया, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और एनर्जेटिक हो जाता है, बिल्कुल एनर्जी आ जाता है। तो ये इमरजेंसी ड्रिंक भी कह सकते हैं, और इसको हम ऐसे ही मज़े के लिए भी यूज़ करते हैं, बड़ा मज़े का भी होता है ये, मीठा और थोड़ा सा सत्तू का टेस्ट गुड़ का टेस्ट, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमेशा मैं अपने साथ रख लेता हूँ। ये दिन मुझे एक सिप लेना होगा, सारा वो मुंह में। आसिफ जी, जी कैसा जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है, वेल गोइंग। हाँ वेल गोइंग, गोइंग डाउन, गोइंग डाउन। ओके ठीक हो गया जी।
There you go. ये तो बाहर का बना है तो आप क्या खा रहे हैं? आज का खाना मैं मार्स खा रहा हूँ जी, बड़े मज़े का है। हाँ, 2 घंटे चले हैं हम आज कैम साइट से, तो मार्स का अपना अलग अलग मज़ा है। वो गिर ना जाए आबिद, जाम हो गया। गुड इम्प्रेशन। कराची में एक ग्रुप है ना आज का खाना, अच्छा वो साजिद दा धवाई वगैरह का, उसमें मक्खन भी खाने हैं। एक रोड आ रही है इधर तक, एक जीप आई भी है, इसमें अब होशे गांव के थ्रू होते हुए वापसी स्कर्दू की कर रहे हैं। चने हम वहां से आए और इस वक्त आसिफ जो हैं वो लैवेंडर जमा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेवेंडर पिकिंग अंदर अंदर छुप जाता है ना। और वो रहा हुशे, तो यहाँ तक इन्होंने सड़क बनाई है तो हमारे लिए वो रहा हुशे, ये रही गाड़ी, चलते हैं जी। आप इसको यहाँ पकड़ें, हम गाड़ी में बैठते हैं। एक सेकंड, ये ठीक ऐसे ना थोड़ा ऊपर भी आ जाएंगे, गाड़ी भी आएगी। ये ठीक, ये ऐसे रखे, ये भी धोखे सो दून पर दूंगा।
And just like that, suddenly we're in a car. ये गांव वाले खुद बना रहे रोड या ये हुकूमत ने बताया है? ये भारत के जो गांव वाले ये तो मुझे चलानी चाहिए गाड़ी। It's quite some ways. It would have taken us 45 minutes to walk till there. हाँ वही तो अभी कैसा रहा हमारे साथ? बिल्कुल सही रहा कि आज किला स्टक हो गया. बस अभी मुझे ज़्यादा है. कल इस वक्त हम देवसाय में होंगे. हाँ आप तो सही में होंगे. हम इधर बोझ उठाते हुए ये तो फिर लगता है कि कोई रोड पे चल रहा है. अगर हमें ये गाड़ी ना मिलती हमें 40 मिनट से ऊपर घंटा लग जाता. इधर कोई साया भी नहीं है. सनी भी है ना, बहुत सनी है और बहुत अच्छी. एंड यू नो व्हेन आई एम अ लिटिल बिट फ्रेश बिकॉज देन आई पिक अप द कैमरा. आई वुड कम हियर ट्री का लेक्चर देख के दिमाग कर दिया. मेरा दिमाग जो है ना पोल्ट्री फार्मिंग पे मैंने लाइक स्पीड ली.
नजर कैसे आएगा पीछे। दीवार में नहीं मार देना। पहुंच गए जी। जी पहुंच गए जी होटल में। पहुंच गए। ओके मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इनका आहिस्ता आहिस्ता किट बनेगा ना जैसे हमारा भी आहिस्ता मैं क्या है ठीक है। आते आते फ्रेश हो गई। बीच में जरा लंबा रेस्ट किया था। चले बहुत अच्छा जी। रोजिया इनके मैंने इंट्रोडक्शन कराए हैं जी। बैठ जाए हम लोग कभी बैठ के आए। अच्छा आबिद साहब माहिरे फोन मीमो इंजो और मलिहा भाभी आबिद साहब बेगम पे इंजो जी जी इंजो इंजो तो इंजो फैमिली फैमिली टूर जो तो मलिहा माहिरा मशहूर फिल्म चौखन इंजो मो डॉक्यूमेंट्री इशन चौस्पिन दे डॉक्यूमेंट्री ला अवार्ड सा थोपिन इंजो इंटरनेशनल लेवल अवार्ड थोपिन इंजो मो डॉक्यूमेंट्री लगी ले हम चैन दोसे गति शहीद चो ना ये एरियन इस डॉक्यूमेंट्री चैन पिन इंजो तो मो से काफ़ी प्रमोट बेसपिन गति अलाको जो इंजो इंजो पूरा पाकिस्तान ही बल्कि पूरा दुनिया ही इनमें प्रमोट बने थे जी। वाह ये तो बड़ा अच्छा वो बन रहा है जी बिल्कुल। मैं ये माशाल्लाह गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ हैं। ये हुशे में विलेज कम्युनिटी का ये इंचार्ज हैं। तो गुलाम हुसैन भाई अभी आपने ज़िक्र भी किया था मुझे कि आप कराची तशरीफ़ ला रहे हैं सर्दियों में यहाँ पे कुछ काम होना है। हुशे विलेज में बहुत ही बैकवर्ड एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी कोशिशों से काफ़ी हद तक काम हो चुका है लेकिन बहुत सारे काम होना बाकी है। तो ये अभी मुझे ज़िक्र कर रहे थे कि ये विंटर में कराची आके थोड़ा सा फंड रेजिंग का काम करने का प्रोग्राम है। तो इस हवाले से आप कुछ फरमाना पसंद करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल सही बात है सर। अभी इस साल दो साल पहले एक दफ़ा मैं कराची होके आया था और इस साल मेरा दोबारा प्रोग्राम है कराची जाने का। तो मैं फंड रेजिंग करना चाह रहा हूँ कि हुशे गाँव आप तो बखूबी वाकिफ़ हैं और दूसरे जो आपके साथ जो क्लाइंट्स आए हुए हैं इन्होंने अभी जो है ना जान लिया कि कितना टफ यहाँ पे है और खुसूसन हेल्थ एजुकेशन के हवाले से इससे भी ज़्यादा लोग जो है ना मुश्किलात में हैं। 1967 में यहाँ पहली मरतबा जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से प्राइमरी स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था। अब तक शायद कोई ख़ास एजुकेटेड बंदा अभी तक यहाँ से नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे अब भी जो है ना एजुकेशन में बहुत कमी है। इसी तरह जो है ना हेल्थ में भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने एक स्कूल यहाँ पे शुरू किया था 2004 में मशबरम पब्लिक स्कूल हुशे के नाम से। तो हम चाह रहा था कि ये अपने सुपरविजन में होगा तो इंशाल्लाह ताला इससे स्टूडेंट आगे निकलेंगे। अभी अल्लाह की फजल से मुझे जो है ना खुशी की इंतहा नहीं रहती है कि हमारा जो पहला बैच जो 2004 में हमारे अपने मशबरम पब्लिक स्कूल में जो है ना एडमिशन लिया था अभी अल्लाह ताला की फजल करम से और आप जैसे लोगों की जो है ना दुआओं और कंट्रीब्यूशन से हमारा पहला बैच अभी पंजाब के इस्लामाबाद में लाहौर में रावलपिंडी में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना अभी किसी ने तो बीएस कंप्लीट किए हैं कोई जो है ना अभी जारी हैं।
कामसट यूनिवर्सिटी से लेके इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लेके एरिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेके इकरा यूनिवर्सिटी हो गया और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी हो गया लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और ऐसे जो है ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अभी हमारे इसी स्कूल के बच्चे जाके वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। तो इसके साथ साथ हम एक दूसरे हमारे एक प्रोजेक्ट है स्कर्दो में मशिब्रम हॉस्टल के नाम पे पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के बिल्कुल साथ हमारी अपनी हॉस्टल हैं और तकरीबन 82 मेल और फीमेल स्टूडेंट्स वहाँ पे रहाइश पजीर हैं। इनके लिए हम तमाम के तमाम तकरीबन सब्सिडाइज हैं और कुछ अर्फन्स स्टूडेंट्स हैं वो मुकम्मली फ्री हैं, बल्कि इनकी स्कूल फ़ी, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी भी हमारा इदारा हुशे वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मैं ये भूल गया था, हुशे वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ये कुछ ज़ेली शाखें हैं, ज़ेली प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके लिए हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। पहला प्रायोरिटी हमारी हुशे है और इसके साथ साथ अभी अल्लाह की फजल से जो हमारे स्कर्दू के हॉस्टल हैं उसमें सिर्फ हुशे तक हमने महदूद नहीं रखे हैं, हुशे जैसे और भी पसमानदा इलाके हैं वहाँ से भी बच्चे हमारे हॉस्टल में रहाइश अख्तियार किए हुए हैं, जिस तरह हुशे से नीचे जाके कांदे हैं, खाने हैं, और इसी तरह कुंदस कुंदस के बच्चे और आगे जाके जो है सल्तुर से बच्चे हैं, आगे जाके जो है शोक सेक्टर में मुख्तलिफ छोर बट के वेलीस हैं, पर्तुक आगे फ्रनो तक और सियारी तक के बच्चे जो है ना हमारे हॉस्टल में हैं, आगे शिगर से हैं, बशो से हैं, तो दीगर मवाजियात से भी जो है ना बच्चे हैं। और दो तरह के हमने वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए रियायती वो कंसेशन रखे हैं, डिस्काउंट हैं। एक मेरिट बेस पे हैं, 80% से जितना अबव नंबर लेंगे उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के कंसेशन हैं। एक इनकी अपनी जो माशी हालत हैं तो अर्निंग उसको देख के जो है ना एक गरीब हैं उसके लिए हमने अलग से एक कंसेक्शन रखे हैं। तो तकरीबन 10% हमारे हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं 10% हमने तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ पे इनको रखे हैं। तो हम मुख्तलिफ डोनर्स हजरात से पहले से भी अर्ज़ करते चले आ रहे हैं, अब भी आपके इस चैनल की वसातत से मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ दिल्ली कि जो हमारे साथ जो है ना ताउन कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, इनके हम शुक्रगुजार हैं। और न्यू कोई डोनर अगर इस वैली के लिए, ऐसी बैकवर्ड एरिया के लिए जहाँ पे सर्दियों की 3 माह जो है ना रोड दूसरे इलाकों से कट के रहते हैं, तो इस इलाके के लिए, इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, इस इलाके की एजुकेशन के लिए, इस इलाके की हेल्थ के लिए अगर कोई कुछ करना चाहें तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। इवन आप हमीद साहब आपसे ही अगर कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह ताला इनकी जो है ना मदद से, इनकी ताउन से इंशाल्लाह हम इस गांव को भी, हुशे को भी गांछे के बल्तिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम उनको जो है ना उनकी शाना बशाना चलने की हमें भी वो हो जाएगा। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ा ज़रखेज़ है साकी, माशाल्लाह। देखें ग़ुलाम हुसैन भाई के बातों से पता चलता है कि यहाँ पर भी इनकी अपनी कोशिशों से, इनकी कम्युनिटी की कोशिशों से देखें लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ इनकी वसातत से कि जो जो ये मेरी हमारी बातें सुन रहे हैं इनको सपोर्ट करें, इनके विलेज को सपोर्ट करें, इनकी एजुकेशन में सपोर्ट करें, हेल्थ में सपोर्ट करें, ताकि यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं न सिर्फ क्लाइंबिंग के मैदान में बल्कि दूसरे मैदान में पूरी दुनिया में नाम पैदा करें और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन भाई, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हुशे की तरक्की के लिए, हुशे को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, हुशे जिंदाबाद। यह करीम बहुत मेहरबानी है वाशिस करदे पर जको ना रे जका तो ने है जब सब जे वैसे यामे चिकने रुको बे सो ना नो है जो या वाशिस।
ये महामा है जी, क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर हैं, ये भी मशहूर क्लाइंबर हैं, इनका भी ताल्लुक हुशे से है, तो ये गाइड भी हैं। इनको हमने कई दफ़ा हमारे ग्रुप के साथ रेस्क्यू के लिए लेके जाता रहा, तो ये भी माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे जानने वाला दोस्त और तकड़ा आदमी है हुशे के। या बोलो, या हमारे फारे अच्छा रहा जी माशाल्लाह, बस थोड़ा स्लो था लेकिन ठीक था। बहुत अच्छा रहा, बस हम खैरियत से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह, बस थोड़ी देर तक खपलू से फिर इंशाल्लाह कर दो। वही ना, याद मीत तो मिलना मुश्किल है अभी। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को भूख भी लगी ना, वो बस हाँ भूख लगी, तो आगे खपलू में कुछ करते हैं, उसके बाद क्या कुछ खाते हुए जाएंगे, कुछ खिलाते हैं ना, वरना भूख लगेगी सबको। मैं तो कहूँ ये पूरे रमजान रोजे रखते हैं, तो ये तो गुजारा कर लेंगे। चले आप लोग गुजारा कर ले, बाकी लोग फिर नाराज हो जाएंगे ना।
जाफर जी, यस प्लीज। क्या चल रहा है? नेट जो मैंने पहले देखा था वो इसमें सियो है, वही देख रहा हूँ, बोर हो गया। तो और आप लोग का क्या हाल है? ठीक ठाक है। मिट्टी खा रहे हैं आप? खुली जीप है ये? खुली जीप है, अब उनकी गाड़ी आगे जा रही है ना, वो मिट्टी उड़ाते हैं तो हम खा रहे हैं। हाँ तो आप लोग आगे हो जाएं तो आपकी वीडियो भी अच्छी बन जाएगी। बस वो आगे ट्रैक्टर है, रोड बंद है। बोलो मौसम तो है।